हाय फ्रेंड्स, तो मैं हूँ निहारिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी फ्रूट कस्टर्ड की, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में डिलीशियस भी लगती है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हमने ले लिया है एक पैन और पैन में हम डाल देंगे यहाँ पर दूध। आपको जितना भी कस्टर्ड बनाना है आप उतना ही यहाँ पर दूध डालिए और इसको आपको अब अच्छी तरीके से उबाली लगानी है इस दूध में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरी। कटोरी में डालूंगी मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर लिया है। तो आप इसकी क्वांटिटी जो है थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आपका जो कस्टर्ड है वो एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी में पहुँच जाता है। तो वैसा हमें बनाना नहीं है, हमें थोड़ा पतला ही रखना है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के तकरीबन लिया है और इसमें जो मैंने दूध गर्म करने रखा था थोड़ा सा चम्मच से कटोरी में दूध डाल लिया है और अब हम इसको मिला देंगे अच्छे तरीके से। इसमें को अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। और बस अब हम इसको डाल देंगे अपने बॉयल्ड दूध में, उबलते हुए दूध में आप इसको डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से चलाना है ताकि इसमें कुछ लम्स वगैरह ना रह जाए। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो देखिए अब हमारे दूध में अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिए उबाल आ चुका है। बिल्कुल आपको इसी कंसिस्टेंसी तक लेकर के आना है और बस बिल्कुल इसी पॉइंट पे हम यहाँ पे अपनी चीनी ऐड करेंगे इसमें। तो मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच यहाँ पे चीनी ली है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीनी मिलती है वो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है। अगर आपके यहाँ की मीठी है तो आप थोड़ा कम ही डालिए, क्योंकि ये फ्रूट कस्टर्ड है, ये मीठा और ठंडा ही बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। तो हमने इसके लिए एक बर्तन ले लिया, बर्तन के ऊपर छन्नी डाल दी है और छन्नी से हम इस दूध को इस तरीके से निकाल देंगे ताकि जो कुछ लम्स इसमें रह गए हों तो वो छन्नी के थ्रू बाहर निकल आए। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। तो देखिए अब ये हमारा एकदम तैयार है और इसको अब हम रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। पहले हम इसे नॉर्मली ठंडा करेंगे, फिर इसको हम फ्रिज में रख के ठंडा कर देंगे। तो देखिए 3 से 4 घंटे बाद हमारा ये जो कस्टर्ड है ये बनकर एकदम ठंडा है, मीठा है, तैयार है। अब हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। तो फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर कीवी ली है, एक एप्पल लिया है और हमने स्ट्रॉबेरी डाली है। आप जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो खाने के लिए आप वो फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो ये खाने में भी थोड़ा फ्रूट से हमें हेल्दी मिल जाता है। तो देखिए हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर यहाँ पर तैयार है। तो ये थी एक छोटी सी रेसिपी। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके आपको कैसी लगी। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय।